गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 से समन्वय का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले समन्वय की का अर्थ या अवधारणा। समन्वय से हमारा अभिप्राय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को और इनके कार्यों को एक सूत्र में बांधना तथा लयबद्ध करना है, ताकि वे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। समन्वय के अंतर्गत संस्था या समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि उनमें परस्पर सामंजस्य, सहयोग, सद्भावना, सौहार्द तथा संतुलन कायम रहे। समन्वय भी प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे सभी घटकों में तालमेल बना रहता है। समन्वय के अभाव में उपक्रम की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। कुछ विद्वान समन्वय को प्रबंध का पृथक कार्य भी मानते हैं। प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य का अलग अलग ध्येय समन्वय पर ही केंद्रित रहता है। समन्वय वस्तुतः उपक्रम की विभिन्न इकाइयों के कार्यों का समकालीकरण ही है। किसी उपक्रम समन्वय प्रक्रिया नियोजन के स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है। शीर्ष प्रबंध समस्त संगठनों के लिए योजना बनाता है और तदनुसार ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए संगठनात्मक संरचना विकसित की जाती है एवं कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति की जाती है। समन्वय के द्वारा ही निर्धारित उद्देश्यों की सफलता न्यूनतम विरोध के साथ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि की मात्रा, गुणवत्ता, समय एवं प्रयत्नों का उपक्रम आदि की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रबंध का प्रत्येक कार्य समन्वय की ओर प्रस्थान का अभ्यास या अनुशासन है। यह बात हम निम्नांकित चार्ट से समझ सकते हैं। समन्वय की परिभाषा। कुछ लेखकों द्वारा समन्वय की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। थियो हैमन द्वारा दी गई परिभाषा, समन्वय अधीनस्थों के प्रयत्नों का ऐसा व्यवस्थित समकालीकरण है जिसमें उचित राशि, समय तथा गुणवत्ता का संपादन इस प्रकार होता है कि संगठित प्रयत्नों के फलस्वरूप उपक्रम का निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा हो सके। दूसरी परिभाषा है EFL ब्रेच की, समन्वय कार्यदल को संतुलित एवं एक सूत्र में रखकर विभिन्न सदस्यों को कार्य का उपयुक्त आवंटन सुनिश्चित करना है तथा यह देखना है कि कार्यों का संपादन सभी सदस्यों के बीच लयबद्धता के साथ हुआ है। नंबर तीन परिभाषा है मेक फॉर लैंड, समन्वय वे प्रक्रिया है जिसमें एक अधिकारी अधीनस्थों के बीच सामूहिक प्रयत्नों का व्यवस्थित आवंटन सुनिश्चित करता है तथा समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य की एकता को सुरक्षित रखता है। आगे हम समन्वय तथा सहकारिता में अंतर पढ़ेंगे। समूह के सदस्य की सहकारिता या सहयोग के बिना प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करना संभव नहीं होता। कहा गया है, सहकारिता के बिना समन्वय फलहीन है और समन्वय के बिना सहकारिता बलहीन है। दोनों ही अपरिहार्य हैं। दोनों में अंतर हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अंतर का आधार में अर्थ सबसे पहला दिया हुआ है। इसमें समन्वय के अंदर हम ये बता सकते हैं, सामूहिक प्रयत्नों को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्य की एकता सुनिश्चित हो सके, यह समन्वय कहलाता है। सहकारिता का अर्थ है, यह व्यक्तियों की स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे की सहायता करने की सम्मति है। नंबर दो पॉइंट है प्रकृति। इसमें सबसे पहले हम समन्वय में यह बता सकते हैं, यह प्रबंध द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से उत्पन्न होता है। और सहकारिता में हम यह बता सकते हैं, यह समूह के सदस्यों के स्वेच्छापूर्वक प्रयास से उत्पन्न होता है। नंबर तीन है संबंध। समन्वय में हम यह बता सकते हैं, यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संबंधों के परिणाम से संभव है। सह
कारिता में हम यह बता सकते हैं, यह अनौपचारिक संबंध के परिणाम से संभव है। नंबर 4 पॉइंट है आवश्यकता। समन्वय में हम बता सकते हैं, इसकी आवश्यकता तब होती है जब समूह के सदस्य मिलकर समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। सहकारिता में हम यह बता सकते हैं कि इसकी आवश्यकता तब होती है जब लोग मिलकर काम करने के इच्छुक हो। नंबर 5 पॉइंट है लक्ष्य। लक्ष्य में हम समन्वय में बता सकते हैं कि इसका लक्ष्य व्यावसायिक उद्देश्यों की अधिक दक्षता पूर्वक प्राप्ति करना है। सहकारिता में हम बता सकते हैं, इसका लक्ष्य एक दूसरे की सहायता प्राप्त करना है। आगे हम समन्वय की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो समन्वय की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट है समूह के प्रयत्नों को जोड़ना। समन्वय असमृद्ध तथा विविध हितों को सौ उद्देश्य कार्य में परिणित तथा संगठित करता है। समन्वय यह सुनिश्चित करता है कि सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप कार्य निष्पादन निर्धारित योजना एवं कार्यक्रम के अनुरूप हो। नंबर 2 पॉइंट है कार्य की एकता। समान उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से कार्य की एकता को ध्यान में रखा जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के बीच यह एक बंधनकारी शक्ति की भूमिका निभाती है, ताकि संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही कार्य का निष्पादन हो। समन्वय के अभाव में असंतोष या असमंजस्य की संभावना बनी रहती है। नंबर 3 पॉइंट है सतत प्रक्रिया। समन्वय सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जो नियोजन की अवस्था से शुरू होती है तथा नियंत्रण की अवस्था तक जारी रहती है। नंबर 4 पॉइंट है प्रबंध के हर स्तर पर आवश्यक। विभिन्न विभागों की परस्पर निर्भरता की विशेषता के कारण समन्वय प्रबंध के हर स्तर पर कार्य करता है। यह विभिन्न विभागों के प्रयत्नों को विभिन्न स्तर पर जोड़ने की भूमिका निभाता है। समन्वय की अनुपस्थिति में अनुरूपता या एकता के स्थान पर दोहरेपन या असमंजस्य की प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका रहती है। नंबर 5 पॉइंट है प्रत्येक प्रबंध का कार्य। संगठन कोई भी हो, समन्वय प्रत्येक प्रबंध का कार्य है। नंबर 1 पॉइंट है इसमें उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियां का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है इसमें मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों एवं प्रबंध पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए। नंबर 3 पॉइंट है पर्यवेक्षी स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है सोचा समझा कार्य। एक प्रबंधक को भिन्न भिन्न लोगों के कार्यों में ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना पड़ता है। जब किसी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे के सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, तो ऐसी दशा में समन्वय इस सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है। समन्वय के न होने पर सहयोग भी निरर्थक सिद्ध होता है और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों में असंतोष को जन्म देता है। इस प्रकार यह कहना सर्वथा उचित होगा कि समन्वय प्रबंध का पृथक से एक कार्य नहीं, बल्कि यह उसका सार है। यदि कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो उसे समन्वय की आवश्यकता होगी। माला में धागे के समान ही समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का अभिन्न अंग है। आगे की वीडियो में हम आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे।